एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं यार? अमीनो एसिड्स आर दी मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अपन पढ़ के आए प्रोटीन में, ठीक है, जो कि जॉइंट किससे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अपनी कोवेलेंट लिंकेज है, और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है? पार्शियली डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑल दी 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन हैव अ COH ग्रुप, ठीक है, एंड NH2 ग्रुप, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या बनती है? बॉन्ड बनती है, ठीक है, टू द सेम कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि ऐसे ये अपना अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक कार्बन है ना, इसी को बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन में क्या होगा? एक NH2 ग्रुप भी लगा होगा, हर एक अमीनो एसिड में COH ग्रुप भी होगा, और इसमें एक ग्रुप होता है R ग्रुप, जो होता है बहुत स्पेसिफिक। मतलब हर एक अमीनो एसिड में R ग्रुप ही डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसके नाम भी चेंज होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रोलीन होता है ना, प्रोलीन क्या है अपना? प्रोलीन है अपना इमीनो, मतलब NH कंटेनिंग ग्रुप, इमीनो, ठीक है। और बाकी यार, और जितने सारे अमीनो एसिड्स हैं ना, वो सारे अपने अमीनो, ठीक है। प्रोलीन इज़ अ इमीनो, ठीक है, और बाकी जितने बचे वो सारे क्या हैं? अमीनो। मतलब कि बचे बचे जितने 19 हैं ना, 19 होंगे अपने अमाइनो, ठीक है, और जो प्रोलीन है वो होगा अपना इमीनो। जो मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको स्ट्रक्चर और प्रोटीन बता रहा था, वहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वहाँ पे अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है यार अपना प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे NH2 ग्रुप नहीं होता, मतलब वहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं होता जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा पाए, ठीक है। तो आपको रिवाइज करवा दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे NH ग्रुप है ना कि NH2। NH ग्रुप वो होता है अपना इमीन ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यार क्लासिफिकेशन 5 वे से होता है। जो पहला वे है उसमें क्या होता है? केमिकल नेचर पे होता है, ठीक है। कैसा है? ठीक है, मतलब जो आर चेन है ना उसके बेसिस, मतलब कि एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है, क्या न्यूट्रल है, ये होता है अपना केमिकल नेचर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर साइड चेन का, आर चेन का क्या होता है? कभी कभी कोई कोई सी होती हैं उसमें क्या होता है, एरोमेटिक होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक होती हैं, एलिपैटिक होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर में नेचर ऑफ पोलैरिटी ऑफ साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, पोलैरिटी मतलब क्या? या तो वो हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है, पोलैरिटी में। अब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में क्या आता है यार? ये अपना इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी में मेनली पूछा जाता है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में क्या होता है? एसेंशियल है या सेमी एसेंशियल है या फिर नॉन एसेंशियल है, ठीक है। और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड, इसके बेस पे भी अपन इसको ड्राइव, मतलब कि क्या करते हैं, क्लासिफाई। इसमें क्या आता है कि अपने आते हैं कीटोजेनिक, पार्शियली कीटोजेनिक, ठीक है, ग्लूकोजेनिक, मतलब कि जो ग्लूकोज से मतलब हो सकता है इनका, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाएं, ठीक है, कीटोजेनिक जो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करवाते हैं, ये सारे के सारे रिलेट करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेनली है अपना आज का टॉपिक, ठीक है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा? एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल, ठीक है। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं यार जो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए इनकी सप्लाई अपने को बाहर से लेनी पड़ती है डाइट के थ्रू, ठीक है, इतना अपने को समझ आता है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ह्यूमन के लिए, वो 10 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अब एन अब्सेंस ऑफ एन एसेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम द डाइट, अगर अपन की डाइट में अगर एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है, इम्पेयर्स द प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी ना अंदर, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि मान चलो कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन के लिए अपने को जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए, अगर वो नहीं आ पाए तो उस प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड जनरली कॉज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, मतलब नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि द टोटल नाइट्रोजन लूज इन द यूरिन, मतलब जो आपके अंदर जो नाइट्रोजन थी ना, वो आपकी यूरिन थ्रू लूज कर जाएगी। आप से मान चाहिए आपकी बॉडी में आपको 50% नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, बट क्या हो रहा है, आपके पास एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं आ रहा, तो वो नाइट्रोजन का यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या होगी, वो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन आपकी यूरिन से पास होने लगेगी, तो वो 30 बची, आपको चाहिए थी कितनी? 50, अब वो बची 30, तो मतलब 20 तो चला गया ना, तो 20 क्या करेगा, वहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करवा देगा। मैं आपको नाइट्रोजन बैलेंस भी पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है वो, टॉपिक मतलब कि आ जाता है कभी कभी यूनिवर्सिटी में, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बाय केमिस्ट्री, जब लास्टिंग पे चलेगी अपनी एंडिंग फेज पे, तब पढ़ाऊंगा आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो क्या होता है, यूरिन के साथ निकल जाती है, फीसिस के साथ निकल जाएगी, स्वीट के साथ निकल जाती है, स्वेट मतलब जो पसीना निकलता है, ठीक है।
और देखते हैं अपन यहाँ पे आगे, जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से जो 8 होते हैं ना यार, वो मेनली होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लेकिन दो होते हैं यार, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हिस्टेडिन एंड आर्जिनिन, ये होते हैं अपने सेमी एसेंशियल, ठीक है। सेमी एसेंशियल क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यार जो बच्चे होते हैं ना चाइल्डहुड कंडीशन में ना, अपने अंदर हिस्टेडिन और आर्जिनिन बन तो रहे हैं, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बन पा रहा है ना जितने को अपने को चाहिए, मतलब जितना बच्चों को चाहिए ना उतने अमाउंट में इनका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से क्या होगा यार, इस वजह से इनको डाइट के थ्रू भी इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर डाइट के थ्रू ले रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे एसेंशियल होगा, तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड अपने पास 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अडल्टहुड में आते हो तो क्या होता है, वो उसकी जो ज़रूरत होती है वो नहीं होती है, ठीक है, हिस्टिडिन और आर्जिनिन की इतनी ज़्यादा, तो अपनी बॉडी नॉर्मली उनको बनाती रहती है जितना अपने को यूटिलाइजेशन होता है, तो हम सिर्फ 8 ही बचते हैं फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो मैं आपको जनरली 10 के नाम याद करवाऊंगा, इसके लिए अपनी जो कॉमन ट्रिक है यार वो सब जानते होगे, ठीक है, नीट के टाइम पे भी याद की होगी, प्राइवेट टीम हॉल, ठीक है, PBT, ठीक है, TIM टीम, और HALL से हॉल से याद करना, ठीक है। प्राइवेट का जो पी आ रहा है, पी से याद करना है आपको क्या, फिनाइलएलिन, ठीक है, वी से करना है आपको वेलिन, टी से करना है थ्रियोनिन, टी से होगा अपना ट्रिप्टोफेन, आई से होगा अपना आइसोल्यूसिन, एम से होगा मिथियोनिन, एस से होगा अपना हिस्टोनिन, ठीक है, और ए से होगा अपना आर्जिनिन, ठीक है, एल से होगा अपना लाइसिन, और अपना क्या होगा यहाँ पे, एक और एल से क्या होगा अपना ल्यूसिन, ठीक है। यार राइटिंग में ऐसी गड़बड़ मड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी कि मेरे को खुद ही पढ़ा नहीं आती मैं क्या लिख के लाया हूँ, तो हो जाती है कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है यार, तो पढ़ने में ही समझ में नहीं आता क्या है, ठीक है। तो जो हिस्टीन है ना यार, ठीक है, हिस्टिडीन है ना अपना, और जो आर्जिनिन है, ठीक है, सिंथेसाइज पार्शियल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एंड इंडिकेट टू सप्लाई ग्रोथ ऑफ द मतलब चाइल्डहुड, मतलब कि इंडिकेट सप्लाई के लिए अपने क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी में बनता रहा है बच्चों की सिंथेसिस, बच्चों की बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है चाइल्डहुड में, ठीक है, लेकिन वो उतने अमाउंट में नहीं हो रहा है, ठीक है, जितना अपने को चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, तो वहाँ पे बिकम एसेंशियल इन डाइट ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ एज इन चाइल्डहुड एंड प्रेगनेंसी। यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, अगर कोई लेडी अगर प्रेगनेंट है यार तो उसको भी इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, आप स्टार मार्क कर लेना कि चाइल्डहुड के साथ ही प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नॉन एसेंशियल की, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पर बता दे रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं अपने एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल में क्या होता है यार, नॉन एसेंशियल अपनी बॉडी में बन रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ के अपन क्या करेंगे, नॉर्मली जनरल बात है, तो चीज़ अपन को बाहर से चाहिए, तो वही तो यार अपन देखेंगे कि यार मेरे को बाहर से क्या क्या चाहिए, ये अमीनो एसिड चाहिए तो मैं उस अमीनो एसिड के क्या प्रोडक्ट्स खरीद के लाऊंगा कि मेरी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी ना हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी बॉडी में बन रहा है उनकी तो दिक्कत आपको लेनी नहीं है, कोई टेंशन लेनी है, ठीक है, उनका बता देता हूँ बॉडी में कौन कौन से बनते हैं। इसको आपको याद करना है, किस ट्रिक से याद करना है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल गर्ल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग, ठीक है, टेकन फ्रॉम शॉपिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यार जैसे ही अपन लड़कियों को ले आता, अगर लड़की कहीं शॉपिंग कर रही है, ठीक है, अगर आप वहाँ से लड़की को पकड़ के खींच ला, नहीं चल तू यहाँ से, तू शॉपिंग नहीं करेगी, ठीक है, तो उसके बाद ना लड़की पगले आ सी जाती है पूरी, ठीक है, होता है यार कभी कभी, ठीक है, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी उनके साथ हुआ होगा, कभी जानते होंगे, ठीक है। वैसे मेरे साथ तो यार होता ही नहीं क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली कि इसमें क्या है कि आपको जो फ्रॉम याद रखना है, ठीक है, जो फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम को अब मैंने यहाँ पे लिखा है PROM, फ्रॉम, ठीक है, तो आपको उसको फ्रॉम ही पढ़ना है, लेकिन आपको पता उनसे यहाँ पे आपको पी करना है, ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट का जो ए आएगा, ए से क्या होगा एलेनिन, ठीक है, ऑल से क्या होगा अपना एस्पराजिन, गर्ल से होगा अपना क्या ग्लूटामेट एट, ठीक है, गो से होगा ग्लूटामीन, ठीक है, क्रेजी सिस्टीन आफ्टर एस्पार्टेट गेटिंग ग्लाइसिन टेकन थ्रियोनिन, थ्रियोनिन नहीं सॉरी टायरोसिन, ठीक है, और जो प्रोम था ना जिसको मैंने फ्रोम बोला था, प्रोम से होगा अपना प्रोलीन, ठीक है, और शॉपिंग क्या करवा रही है अपनी सीरीन, ठीक है। तो ये होगा अपने नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यार, सारा मजाक था यार, कोई सीरियस मत लेना, जस्ट फॉर अ जोक, हंसलिया कह रहा है, पता नहीं यार अपनी लाइफ कितनी है, ठीक है, अपन कभी एस्टिमेट नहीं कर सकते, पता नहीं कल किसी ने देखा है नहीं देखा, ठीक है, बस इतना देखा है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले तो कोई नहीं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, MBBS पूरा रगड़ना पड़ेगा, तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। तो यार ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको, एक स्टोरी है, तो उसमें क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या बोलता है
कि यार क्या करेंगे पढ़ के यार, एक दिन तो सबको मर ही जाना है। तो मिनके मैंने उसे बोला, मिनके भाई तू पढ़ाई मढ़ाई सब छोड़, ठीक है बैठ जा, बिल्कुल पढ़ाई मत कर, ठीक है, और ना तू खाना पीना भी खाना छोड़ दे सब, क्योंकि तेरे को तो मरना तो है ही, तो तू क्या करेगा फिर, कुछ मत खा, ठीक है। फिर वो बोलता है, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने उससे यही बोला कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई फोकस कर, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो यार तुम लोग भी, और जो नोट्स वगैरह हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, ठीक है, और बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो यार आप, ठीक है, टाइम आ गया है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।